हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं स्टूडेंट्स? चलिए, सेट थ्योरी के लास्ट सेशन में हमने थ्री सेट्स के वैन ऑपरेशंस के बारे में बात की थी. थ्री सेट्स के ऑपरेशंस थियरम्स, राइट? यू कैन से सो. बस वहीं से हम ये अपना आज का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. सो फॉर थ्री फाइनाइट फॉर थ्री फाइनाइट सेट्स ए बी सी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैं आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगा और उसमें आपको मैं रीजियन बताऊंगा कि ये रीजियन है तो इसको क्या कहेंगे, है ना? सो एज फार एज सेट ऑपरेशन कंसर्न्स, तो चलिए. ओके, सो सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, है ना? ये ए है, ये बी, ये सी, एंड इट इज यूनिवर्सल सेट. ओके, चलिए. तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, मैं काम करता हूं, इस पोर्शन को मैं कहता हूं वन. तो जो आप फर्स्ट पोर्शन देख रहे हो, राइट, फर्स्ट रीजन, शेडेड रीजन, फर्स्ट शेडेड रीजन, वो क्या रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स? वो रिप्रेजेंट करता है ओनली ए एंड बी. ओनली ए एंड बी. कैसे मिलेगा ये रीजन? ये रीजन हमें मिलेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अच्छा, इसको मैं आपको और किसी ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा. सो सिर्फ ए और बी की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे? यहाँ पे सी नहीं है, राइट है? ओके, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश. इसको आप कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, जो हमें मिलेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो जो माइनस वाला टर्म है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, सो समझ में आया? समझ में आई मेरी बात? ये पोर्शन, ये दोनों का कॉमन है, ए और बी का कॉमन ये है. तो इसमें से आपने ये पोर्शन जो तीनों में कॉमन है वो निकाल दिया. सो कुल मिला के ए और बी के इंटरसेक्शन में से सी हमने निकाल दिया. निकाल दिया इसीलिए हम उसे कहेंगे सी डैश. सो इट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सिमिलरली सिमिलरली ये पोर्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कौन सा है? ये है बी और सी का कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी है. ठीक है, ओके, से इट इज टू, राइट? सो ओनली बी एंड सी, इसको हम यू डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. बी और सी तो चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए? ए नहीं चाहिए. सेट ए के साथ इसको हमने इंटरसेक्ट नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स. सो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश, जो हमें यहाँ पर मिलेगा नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. भाई लॉजिक वही है जो ऊपर वर्क करता है, मतलब कि जो तीनों में कॉमन है, ये पोर्शन तीनों में कॉमन है, राइट है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी में से निकाल लिया. अच्छा, इस तरफ मैंने बी और सी के इंटरसेक्शन में से भी इसको निकाल लिया, तो एग्जैक्ट मुझे ये मिला, ओनली बी एंड सी. सेम वे में ओनली
ए एंड सी चाहिए अगर जो, तो ठीक है, ओनली ए एंड सी, तो वो हो जाएगा ए चाहिए सी चाहिए पर बी नहीं चाहिए. सो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश विच इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बातें आपको समझ में आ गई. फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड, फर्स्ट शेडेड रीजन, सेकंड शेडेड रीजन, थर्ड शेडेड रीजन. आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसको देखते हैं, इसमें और हमें बहुत सारी बातें सीखनी. जल्दी जल्दी लिख लो. ओके चलिए, अब अगर जो आपको इसमें ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली टू सेट्स, राइट, या तो फिर एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री सेट्स, तो जो हमने इसका पहले अभी डिस्कस किया सेम यहाँ पे हमें अप्लाई करना है. सी, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पूरा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, राइट, जिसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल देंगे, तो जो सिर्फ दोनों में कॉमन है, सेट ए और सेट बी में कॉमन है, सिर्फ वही पोर्शन मिलेगा. अच्छा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, ये है ए इंटरसेक्शन सी, तो जब हम उसमें से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल देंगे तो एग्जैक्टली ए और सी जो दोनों में है वही मिलेगा. एंड सेम वे में ये हमें मिल रहा है बी इंटरसेक्शन सी, है ना, जिसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल देंगे तो एग्जैक्ट हमें जो बी और सी में चाहिए वही मिलेगा. सो जब भी आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली टू सेट्स, राइट, आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस थ्री टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. क्लियर है स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री सेट्स. एग्जाम्पल 34 जो है ना, मिसलेनियस एग्जाम्पल 34, राइट है, लास्ट में जो हमने ट्राई किया था लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं किया था हमने, तो ये सम इसी पर बेस है. ठीक है, ओके, जल्दी लिख लो. लेकिन अगर जो आपको यहाँ पे ऐसा कहा जाए, सेम क्वेश्चन में आपको अगर जो ऐसा कहा जाए, ठीक है, थ्री सेट्स के बारे में ही मैं बात करता हूँ, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली वन सेट, लेट से के सेट ए ओनली, ठीक है, तो सेट ए ओनली में आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, तो ये जो पोर्शन यहाँ पे खाली दिख रहा है ना, ये है सेट ए ओनली. सिमिलरली ये है सेट बी ओनली, ये है सेट सी ओनली. ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली वन सेट, तो हम देखो इसको कैसे समझेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चलो इसको हम फिफ्थ नंबर दे देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली सेट ए. ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे ये हम, सोचो. तो देखो नंबर ऑफ ए, सेट ए जो है वो पूरा नंबर ऑफ ए, राइट, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ ए,
उसमें से हम क्या माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें से हम माइनस करेंगे ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम उसमें से माइनस कर देंगे। सो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर और क्या माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया मैंने, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया मैंने, लेकिन आपको अब ये भी यहाँ पे समझना है कि जब मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करता हूँ, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस करता हूँ, तो जो बीच का पोर्शन है ना कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, वो डियर स्टूडेंट्स दो बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या ये बात आपने नोटिस की? फिर से एक बार, नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप माइनस करो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आप माइनस करो, तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये दो बार माइनस हो गया। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने दो बार सब्ट्रैक किया, इसमें से भी सब्ट्रैक किया ए इंटरसेक्शन बी में से, तो वो हो ही गया। फिर हमने वापस जब ए इंटरसेक्शन सी पूरा लिया तो ये फिर से सब्ट्रैक हुआ। तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए, हम इसको इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए, हम एक नंबर ऑफ ए एक बार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ सिर्फ ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ओके। सो इट इज लाइक बस, तो ये आपका इक्वेशन है। ये हमें आप ये रखो, ये रिलेशन रखो, और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली सेट ए, या सेट ए ओनली, सेट ए ओनली ज़्यादा सही रखता है, नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए ओनली, तो आप ये रिजल्ट रखते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। सेम वे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी ओनली, तो क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ बी लेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम, उसमें से हम माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। मुझे तो सिर्फ फॉर्मूला ही यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, तो सेम यहाँ पर बी है तो बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और फिर क्या ऐड कर दोगे आप, फिर इसी में ऐड कर दोगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी ओनली, ओके। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट सी ओनली, वो देख लेते हैं, जल्दी करो। ओके चलो, सो फिर इसके बाद ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, अब सेवन्थ पे आ जाएंगे हम। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट सी ओनली, इन सेट सी ओनली, देखिए ध्यान दीजिए। सो सॉरी, नंबर ऑफ सी लिखो, फिर उसमें से माइनस करो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर उसमें से माइनस करो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर लास्ट में ऐड करो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट सी ओनली, ठीक है, ओके चलो। एंड फिर अगर जो अब आपसे ये कहा जाए
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सी अब तक की जो मैंने ये तीन जो मैंने लास्ट देखे उसमें मैंने सेट ए को डिफाइन किया कि भाई सेट ए, सिर्फ सेट ए, ओनली सेट ए, फिर ओनली सेट बी, फिर ओनली सेट सी। अब मैं सिर्फ ये कहूं कि नंबर ऑफ प्रेजेंट इन अब अगर जो हमें ये कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट सिक्स है राइट, हाँ, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन सेट ओनली, इन एनी वन सेट ओनली, मतलब कि ये और ये, इन तीनों का एडिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये और ये, इन तीनों का एडिशन। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा डियर स्टूडेंट्स, जो इसके पहले फिफ्थ, सिक्स्थ, शायद फोर्थ, वो देख लेना, सेट ए, सेट बी, सेट सी ओनली, तो इन तीनों का एडिशन यहाँ पे कर देना है बस। सो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू टाइम्स आएगा, तो माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो थ्री टाइम्स आएगा, सो प्लस थ्री टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कुछ नहीं करना है, खाली तीनों इसके पहले के तीनों फार्मूलाज को ऐड कर देना है, सॉरी इसके पहले के तीनों फार्मूलाज को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। तो जब आप उन तीनों को ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्ट सेम यही रिजल्ट मिलेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस थ्री टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एंड एक खास बात, हमें एक और मेथड भी समझनी है, तीन सेट के क्वेश्चंस में एक और मेथड हमें समझनी है, लेकिन उसके पहले हम जरा इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें समझ में आएगा। अच्छा, वो जो एग्जांपल 34 था ना, जो बाकी था, जो हमने आधा रखा था, चलो वो भी हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी करिए। ओके चलो, सो एग्जांपल 34, इलस्ट्रेशन 34, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। सो नंबर ऑफ ए 38, नंबर ऑफ बी 15, नंबर ऑफ सी 20, ठीक है, एक सेकंड। देन इफ दिस मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब कि टोटल जो है ना यूनिवर्सल सेट में जो टोटल हैं वो है 58, और इनके कहने का मतलब ये है कि ये तीन अवार्ड मिला के भी टोटल जिनको मिले होंगे, टोटल जितनों को ये तीन अवार्ड्स मिले हैं, कम से कम एक अवार्ड, राइट, तो उनका टोटल भी 58 है। सो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 58 है, एंड ओनली थ्री मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द थ्री स्पॉट्स, मतलब कि जो तीनों में कॉमन है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू थ्री, राइट है। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पॉट्स, एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पॉट्स, ठीक है ना।
ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूँगा। सो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो यार, एक बात तो बड़ी कंफर्म है कि आपको याद तो रखना ही है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस लेफ्ट। अब मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर। जब तक आप याद नहीं रखोगे, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कैसे क्लिक होगा, कैसे याद होगा, इंस्टेंटेनियस कैसे याद आएगा। सो आपको अच्छे से इन सबको याद रखना है, ठीक है। ओके, वैल्यू रख दीजिए, जितनी भी हैं वैल्यूज़ रख देते हैं। तो 58 रखा हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ ए हमारे पास है 38, वो रखा, नंबर ऑफ बी 15 है वो रखा, ये 20 रखा, माइनस इन तीनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, जो तीनों में कॉमन है, ऐसे कितने हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं मेरे पास, ऐसे लोग हैं यहाँ पे मेरे पास तीन, कि जिनको तीनों में मेडल मिला है। ओके, सो इन तीनों का टोटल, फिर उसमें 3 ऐड करो और फिर 58 में से उसे सब्ट्रैक्ट करो। तो थोड़ी जो कैलकुलेशन करने के बाद में मुझे फाइनल आंसर मिलता है वो ये है, डायरेक्ट आंसर ही लिख लेते हैं ना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 18। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमें कितना मिला यहाँ पे आंसर, 18 मिला। ओके, चलो। तो अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं ये लोग, अब यहाँ पे ये लोग कहना चाहते हैं एग्जैक्टली टू, राइट है। सो नंबर ऑफ मेडल्स गिवन इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स इक्वल्स, क्या करोगे, फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, मैंने भी इसके पहले आपको समझाया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टू सेट ओनली। तो उसमें मैंने क्या लॉजिक क्या समझाया था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डायरेक्ट ये रख दो, इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये कैसे लाए ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दो। बस अब डेटा रखना है, सी ये जो डेटा है मेरे पास, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, वो 18 है। तो मैं यहाँ से 18 ले लूँ, रख दिया मैंने, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 3। सो 18 माइनस 3 इंटू 3, योर आंसर इज 18 माइनस 9 इज 9। सो देयरफॉर एग्जैक्टली 9 स्टूडेंट्स हैज गॉट अवार्ड्स राइट इन 3 स्पोर्ट्स इन ओनली टू स्पोर्ट्स सॉरी ओनली टू स्पोर्ट्स तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ 2 गेम में अवार्ड मिला है, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। बस इस एक्सप्लेनेशन को हम और जगह और सारे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया था एक मेथड और बाकी है, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं जब इसकी थोड़ी ग्रीप आ जाए उसके बाद डिस्कस करूँगा, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन हम और देखते हैं। राइट डाउन फर्स्ट, Thank you.
ओके श्योर। क्वेश्चन नंबर नहीं, बाहर का क्वेश्चन नंबर तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ओके श्योर। सो इन अ सर्वे ऑफ 100 persons, इन अ सर्वे ऑफ 100 persons इट वॉज फाउंड दैट 28 रेड मैगजीन ए, सो 28 रेड मैगजीन ए, 30 रेड मैगजीन बी, 42 रेड मैगजीन सी, 8 मैगजीन ए एंड बी, 10 रेड मैगजीन ए एंड सी, ए एंड सी, 5 रेड मैगजीन बी एंड सी एंड 3 रेड ऑल 3 मैगजीन्स, ठीक है। चलो सो फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रेड नन ऑफ 3 मैगजीन्स, हाउ मैनी रेड नन ऑफ 3 मैगजीन्स। एंड सेकंड, हाउ मैनी रेड मैगजीन सी ओनली। तो भाई फॉर्मूला जब आपके पास है ना, तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ता हूँ। सेट ए जो मैंने ले लिया मैगजीन ए के लिए, हू रेड मैगजीन ए। सेट बी ये डेटा ले लिया मैंने मैगजीन सी के लिए, सॉरी बी के लिए। सेट सी हू रेड मैगजीन सी। चलो सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए 28, नंबर ऑफ बी है ना, जिन्होंने मैगजीन बी पढ़ी है ऐसे हैं 30 लोग, 42 रेड मैगजीन सी, सो नंबर ऑफ सी वाले हैं 42, 8 रेड मैगजीन ए एंड बी, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 8, 10 रेड मैगजीन ए एंड सी, ए एंड सी 10, 5 रेड मैगजीन बी एंड सी, सो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5, एंड 3 रेड ऑल 3 मैगजीन्स, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 3। फाइंड हाउ मैनी रेड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स। तो मैं सबसे पहले पता है क्या फाइंड करूँगा, मैं फाइंड करूँगा यहाँ पे वो लोग जिन्होंने कम से कम एक तो मैगजीन पढ़ी ही है। सो नंबर ऑफ persons who read at least one magazine, ठीक है, कम से कम एक मैगजीन तो उन्होंने पढ़ी ही होगी। अब वो कम से कम एक है तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, लास्ट लेक्चर में शायद ये डिस्कस हो ही चुका था, राइट है। ओके कम से कम एटलीस्ट वन, तो याद करो एटलीस्ट वन मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। सो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को, ठीक है, और वही हमारा पुराना फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। बस अब सारे डेटा यहाँ पे रख दो एंड सी हमें क्या वैल्यू मिल रही है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं, लिख लो। ओके तो चलिए ऊपर का जो लिखा हुआ उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, हाउ मैनी रेड नन ऑफ थ्री मैगजीन्स, तो क्वेश्चन हमने समझ लिया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमने देख लिया है। अभी हम फिलहाल क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फिलहाल ये फाइंड कर रहे हैं कि जिन्होंने कम से कम एक मैगजीन तो पढ़ी ही है। सो मुझे आंसर मिलेगा सो आई विल गेट आंसर ओके सी सो इज इक्वल्स टू, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए 28, नंबर ऑफ बी 30, नंबर ऑफ सी 42, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 8, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 5, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 10 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3। जरा टोटल करके देखते हैं कितना आएगा। सो 8 दो 11, सो 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10 माइनस प्लस 3, सो प्लस 3 करोगे तो 104 माइनस 8 और 5 13 और 10 सो 23, सही है। ओके सो हमें मिलेगा 4 - 3 = 1, 10 - 2 = 8, सो ये मिल गया मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो आप जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है वो मिलेगा। सो फर्स्ट है कि जिन्होंने एक भी मैगजीन नहीं पढ़ी है, सो नंबर ऑफ पर्संस हु हैज नॉट रीड एनी मैगजीन्स इक्वल्स टू, देखो यार वेन डायग्राम से अभी आप अगर जो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो तो भी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा। सी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट। तो ये जो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये पूरा पोर्शन, राइट, जो भी मैंने यहाँ पे रीजन शेड किया है ना पूरा मुझे मिल गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने एक भी मैगजीन नहीं पढ़ी, अनपढ़ है वो लोग, ठीक है। तो वो कहाँ मिलेंगे हमें, वो हमें कहाँ मिलेंगे जिन्होंने एक भी मैगजीन नहीं पढ़ी, वो मुझे मिलेंगे इस शेडेड रीजन के बाहर, यहाँ कहीं मिलेंगे यहाँ। और ये बाहर वाला पोर्शन आप कैसे ढूंढोगे, तो ये ढूंढोगे आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी द होल डैश, दैट्स इट, सिंपल कॉम्प्लीमेंट। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी द होल डैश इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। बस तो अब खाली आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू में टोटल है यहाँ पे 100 पर्संस, उसमें से आप 81 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा 19। दिस इज योर आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंड अब इसके बाद आपको इसमें पूछा है, मैं लास्ट वाली लाइन मिटा रहा हूँ क्योंकि ये डेटा हमें शायद चाहिए इसलिए फिर से। फिर इसके बाद हमें पूछा है नंबर ऑफ पर्संस हाउ मैनी रेड मैगजीन सी ओनली, सो नंबर ऑफ
persons who has read, who have read magazine C only. So सिर्फ C, C, C की बात कर रहे हैं हम. मैगजीन सी ओनली, राइट है, ओके. तो ये मुझे मिलेगा, मैंने आपको समझाया था ना आज, आज अभी जब मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया था तब आपको अच्छे से समझा दिया था, राइट. सो नंबर ऑफ सी ओनली, तो नंबर ऑफ सी लो, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, पहले सब्ट्रैक्ट करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो ए इंटरसेक्शन सी को, और फिर लास्ट में ऐड करो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. दैट्स इट. सो नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो नंबर ऑफ सी की वैल्यू है 42 माइनस 5 माइनस 8 प्लस 3. सो देख लो क्या मिलेगा. 45 माइनस 5 40 माइनस 8 32. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा है. एंड चलो मोहन आगे बढ़ते हैं. और कोई क्वेश्चन जिसमें ये थ्री सेट्स हैं तो बस चलेगा. ठीक है देखो, इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, सो टोटल 700 स्टूडेंट्स हैं, इसको मैं रीड करूंगा, ठीक है. 180 वेर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिमका, बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन है. सो ड्रिंकिंग लिमका एंड 275 एज ड्रिंकिंग मिरिंडा, आप में से कितनों ने इसमें से एक भी ड्रिंक पिया है. लिमका तो डेफिनेटली अभी मिलता है, बट मिरिंडा मुझे जहाँ तक ख्याल है शायद अभी मिरिंडा नहीं मिलता, मैं गलत हो सकता हूँ. चलो, सो 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिमका, 275 एज ड्रिंकिंग मिरिंडा. ये हैं 180 लोग ऐसे, और यहाँ पर है 275 एंड 95 were listed as both drinking limca as well as mirinda. So 95 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही पीते हैं, ठीक है, ओके. सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग neither limca nor mirinda. सो ना तो limca ना तो mirinda, ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं, जल्दी जल्दी लिख लो. ठीक है, ओके. सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी आएगा ना नाइदर नॉर, तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहां पे हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसके लिए मुझे अभी सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एनी वन, ठीक है, बस चलेगा, एनी वन लिख दो ना. सो वो आ जाएगा, या एटलीस्ट वन, एनी वन मतलब, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एटलीस्ट वन, who drink at least one refresher, हाँ ये सही वर्ड है, is equals to number of A union B. Are you getting my point? So number of A union B equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Then number of A,
सो नंबर ऑफ ए यहाँ पर हमें दिया गया है, चलो ये मैंने सेट ए ले लिया है, ये मैंने सेट बी ले लिया है, राइट है। सो नंबर ऑफ ए हमें मिल गया 180, नंबर ऑफ बी हमें मिल गया 275, और जो दोनों ही पीते हैं, दोनों ड्रिंक पीते हैं, ऐसे हैं 95। यहाँ पे डेटा रख दो, 180 प्लस 275 माइनस 95, ठीक है। सो 275 माइनस 95, सो 200 एंड देन कितना 25, राइट है। सो कितना मिलेगा यार, तो ये कैलकुलेशन मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आती। सो 180 प्लस 180, सो योर आंसर इज 360, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ और कहा है कि टोटल कितने बंदे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो 700 बंदे हैं ना। सो नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश एंड दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ यू यूनिवर्सल सेट में 700 हैं, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो आपने यहाँ पे ढूंढा वो है 360। बस तो हिसाब लगा लो आप, 340 शायद आएगा, ठीक है, हो गया सम। ओके, फिर देर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास, जल्दी खत्म करो। ओके चलो, सो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, 60 students in physics class. Find the number of students which are either in physics, class or chemistry class in the following case. So number of students which are either in chemistry class or physics class, right है, in following case. तो first question है उसमें, the two classes meet at the same hour, और अब आप एक बात का जवाब दो, आपके स्कूल में सेम सिचुएशन मान लो हो रही है, ठीक है, मतलब सी केमिस्ट्री क्लास और फिजिक्स क्लास में टेक्निकली देखने जाओ तो सेम होंगे, चलो मैं ट्यूशन क्लास की बात बता रहा हूँ। सो ट्यूशन क्लास में 40 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास में हैं, 60 स्टूडेंट्स फिजिक्स क्लास में हैं, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सेम टाइम पे, लेट्स से कि थ्री ओ क्लॉक, सो 3 बजे केमिस्ट्री की भी क्लास है एंड फिजिक्स की भी क्लास है, तो क्या हो पाएगा? आप उस समय पे दोनों में प्रेजेंट है ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढ पाओगे क्या?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट वट आई एम सेइंग यू? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन केमिस्ट्री क्लास और इन फिजिक्स क्लास. तो देखो दो ही केस होंगे, या तो वो केमिस्ट्री क्लास में होगा या वो फिजिक्स क्लास में होगा. ठीक है, दोनों में एक साथ तो कुछ नहीं आएगा ना. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी. अच्छा वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है अभी. तो मैं सेट ए में ले लेता हूँ स्टूडेंट्स हु आर इन केमिस्ट्री क्लास एंड देर इज अ सेट बी स्टूडेंट्स हु आर इन फिजिक्स क्लास. सो नंबर ऑफ ए 40, नंबर ऑफ बी 60. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी और आया ना, और आया, और का मतलब क्या हुआ कि जो केमिस्ट्री क्लास में है और फिजिक्स क्लास में है. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो डियर स्टूडेंट्स इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि दोनों ही क्लास में एट द सेम टाइम प्रेजेंट हो ऐसे स्टूडेंट्स हमें नहीं मिलेंगे. ठीक है, ओके. सो हियर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों क्लास में प्रेजेंट हो एट द सेम टाइम ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नहीं मिलेंगे. सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, बस इन दोनों का टोटल कर दो, आंसर मिल गया 100. ठीक है, एंड इसी में सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द टू क्लासेस मीट एट द डिफरेंट आवर एंड 20 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इन फिजिक्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स इन फिजिक्स क्लास. ओके, इसमें हमें 26 में हमें, हाँ बस इतना ही है, सॉरी फिजिक्स क्लास पीछे लाइन जरूरत नहीं है. द टू क्लासेस मीट एट द डिफरेंट आवर, द टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स एंड 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, राइट, दे आर इनरोल्ड इन बोथ क्लास. एक्चुअली यहाँ पे पीछे फिजिक्स वर्ड बोथ द सब्जेक्ट इन फिजिक्स क्लास लिखा हुआ, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है आर इनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इन फिजिक्स क्लास. तो जो फिजिक्स क्लास है वो वर्ड अब हटा देना, सिर्फ क्या कंसिडर करना है आर इनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब कि दोनों ही सब्जेक्ट में इनरोल्ड हों. ठीक है, सो यस यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम ए इंटरसेक्शन बी हमें पक्का मिलेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो नंबर ऑफ ए इज 40, नंबर ऑफ बी इज 60, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 20, योर आंसर इज 80. ठीक है, सो आज का लेक्चर मैं एक्चुअली यहीं तक रख रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है. सो मैं आपको अब इसमें होमवर्क दे रहा हूँ बाय द एंड ऑफ द डे. ये जितने भी तीन सेट्स वाले क्वेश्चंस हैं, टू सेट्स वाले क्वेश्चन हैं, इसका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. वो होमवर्क आपको मुझे विद इन टू डेज कंप्लीट करके बताना है. बस अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर सीधे सीधा मिसेलेनस और मिसेलेनस इलस्ट्रेशंस पे, और जो आपके डाउट्स हैं वो, ठीक है, वो इलस्ट्रेशंस में आपके काफ़ी कुछ डाउट है, थ्योरेटिकल वाले सम्स हैं, तो वो थ्योरेटिकल वाले सम्स के लिए हमें अब थोड़ा सा वक्त चाहिए, एक या दो लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए हमें चैप्टर कंप्लीट करने के लिए. सी हम बहुत आराम से जा रहे हैं, बहुत फ्लो में जा रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर इतना टाइम लगा, अदरवाइज इसको इतना टाइम नहीं लगने चाहिए था. ठीक है, ओके, सो तीन सेट्स से रिलेटेड वैन ऑपरेशंस फॉर्मूलास, राइट, वो हमने आज डिस्कस किया. फिर भी अभी तक मैंने दूसरी मेथड, जो मैंने आपसे, ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, जो इलस्ट्रेशंस में जो 34 नंबर का इलस्ट्रेशन है उसमें दोनों मेथड दी हुई है, राइट है, तो हमने सिर्फ अभी फॉर्मूलास ही यहाँ पे कंसिडर किया, फॉर्मूलास से रिलेटेड ही हमने क्वेश्चंस किए हैं. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो जो दूसरी मेथड मैंने बताया ना, वो दूसरी मेथड के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपने हिसाब से जो भी मैं आपको होमवर्क सम्स दूं उसमें आपको ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करके मुझे आंसर देने होंगे. ठीक है, ओके, सो ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क. मैं आज एट द एंड ऑफ द डे आपका लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद
ठीक है, मैं ये मटेरियल आपको देने वाला हूँ, ओके ठीक है, होमवर्क मटेरियल। सो अच्छे से कंप्लीट करिए। कल अपना जो लेक्चर है वो JEE का होगा, जो मैंने आपको JEE की होमवर्क शीट दी है उस होमवर्क शीट के सम्स हम यहाँ पे देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो बाय।